कांग्रेस विधायक दल की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक दल के नए अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और नए प्रभारी डॉक्टर रामेश्वर उरांव की मौजूदगी में होने वाली है और इसमें आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ 2019 में जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया था उसमें जिस तरह की कमी रह गई थी उसको लेकर भी सरकार पर दबाव बनाने की बात सामने आ रही है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में राहुल गांधी का भी दौरा होने वाला है झारखंड में, उसको लेकर भी तैयारियां को लेकर चर्चा की जाएगी। इन सारे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और जिसमें से अहम मुद्दा रहेगा विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर काफी ज्यादा सजग नजर आ रही है विधायक। इसी वजह से कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है और इस पे हम आगे भी आपके साथ लगातार बने रहेंगे। क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं इसको लेकर, क्या कुछ विधायक दल की बैठक में मंथन किया गया है इसको लेकर हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे और आपको अपडेट कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप लगातार देखते रहिए 99 न्यूज। झारखंड में विधानसभा चुनाव के आने से पहले ही हरेक पार्टियां रेस नजर आ रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस भी काफी ज्यादा रेस नजर आ रही है। इन सारी चीजों को लेकर किस तरह की तैयारियां है, क्या कुछ किया जा रहा है, ये सब कुछ बताया गया है। गुलाम अहमद मीर से भी बात हुई है, उन्होंने क्या कुछ कहा है चलिए देखते हैं। देखिए सब पूरी तस्वीर देख रहे हैं, एयरपोर्ट पर मौजूद है और गुलाम अहमद मीर जो की झारखंड के कांग्रेस प्रभारी है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार आज बैठक का दौर जारी रहेगा। आज मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश यादव के बाद यहाँ पर अध्यक्ष बनने के बाद आज विधायक दल की बैठक रखी गई है। गुलाम अहमद मीर मौजूद रहेंगे, आलम की राजद विधायक दल के नेता बनाए गए हैं, उनके बाद से ही लगातार यहाँ पर बैठकों का दौर जो है वो यहाँ पर जारी रहेगा और उनके बाद की आप पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लगातार आज बैठकों का दौर बना रहेगा। गुलाम अहमद मीर जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष भागवत जी अपॉइंट हुए हैं। इनके नॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए कई दफा प्रोग्राम लगा मगर मैं नहीं आ पाया था, तो आज इसीलिए आए कि जो झारखंड के तमाम सीनियर लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स है, एमएलएस है, फाइनल हेड्स है, डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स है, उनके साथ बैठक करके एक आने वाले दिनों का कार्यक्रम तय किया। नए अध्यक्ष के बनने के बाद में मैंने आना था यहाँ पर, इनको सारे लोगों से मिलाना था और किसी वजह से मैं आ नहीं पाया था, जम्मू कश्मीर में मजबूरियां पड़ी थी, तो इसलिए आज आए हैं सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन करने के लिए, इसमें कोई और ज्यादा मतलब नहीं है। विधानसभा चुनाव को लेकर के भी मंथन होना है, कई सारी चीजें उसके मैनिफेस्टो को लेकर बहुत बवाल हो रहा है सर। अभी छोड़ो वो बाद में बात करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के भी मंथन होनी है, वो तो है ही, ये तो इसी की एक प्रक्रिया है, टुवर्ड्स इलेक्शन ही चल रहे हैं। तैयारी कैसी रहने वाली है? अपनी तैयारी है, आपने देखा नहीं पूरी तैयारी है, हमारा संगठन पूरा सक्रिय है। ये जो हमारा मुख्यमंत्री मान सम्मान योजना है 200 यूनिट बिजली फ्री है, 2 लाख का जो कृषि ऋण माफी है, सर्वजन पेंशन योजना है, इससे भाजपा घबरा गई है, तिमिला गई है। इसलिए हमारा संगठन और हम कल संवाद आपके साथ यात्रा में पूरे झारखंड में दौरा हम कर रहे हैं और लोगों से और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। हम पहली बार मेरे पीछे पीछे है, उन्होंने कहा मेरे पीछे पीछे इनकी तैयारी आप कर रही है और इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुलाम अहमद मीर पहुंचा, उन्होंने मतलब बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे पास पूरी तैयारियां हो चुकी है, हम लोग बैठक करेंगे। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, एक औपचारिक मुलाकात, शिष्टाचार मुलाकात सभी के साथ इंट्रोडक्शन कई ऐसी चीजें बताए गए और ले लेते हैं चुनाव इस समय बनाए।